फैमिली, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय चैनल एक छोटी कोशिश। तो मैं हूँ आप लोग साथ प्रियंका। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मीशो ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में घंटी को प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को देखें। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे अपने फॉल्ट पता चले या मैं वीडियो अच्छी बना रही हूँ या मुझे और क्या इम्प्रूव करना है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट, अगर जो भी मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे अपनी वीडियो में क्या, मेरी वीडियो में कमी है कि मैं सुधार सकूँ। क्योंकि आप ही लोग वीडियो देखते हो, मैं तो सिर्फ मेरे नज़रिए से तो सब कुछ अच्छा होता है लेकिन सामने वाले इंसान को पता चलता है ना कि मैं क्या बना रही हूँ और मेरी वीडियो में क्या गलती है और मुझे क्या इम्प्रूव मतलब मेरी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी लगे और आप लोग को अच्छी लगेगी तभी मैं आगे सक्सेस होंगी। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप साइड ज्वेलरी की ओर आते हैं तो इन्होंने सबसे पहले इसके अंगूठी की ओर आते हैं तो कुछ इस टाइप का इन्होंने ये अंगूठी दिया है। हाँ बेटा, आ और ये उसके प्यारे प्यारे इयर रिंग हुए और इस पर इन्होंने क्रिस्टल टाइप का कुछ स्टोन लगाया है जो कि येलो और पिंक है और ये पूरी एक साइड है और इसकी एक साइड की जो बात करें तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक है, बाकी हल्का सिल्वर टाइप लगती है और पीछे से कुछ इस तरीका से है और ये पूरी लाइट वेट है। देखने में आपको लग रही होगी कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है लेकिन पूरी लाइट वेट है। और जो हमारा सेकेंड ईयर रिंग है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी इसे मंगाऊँ लेकिन ये क्या, मैंने जब देखा था ना तो ये ठीक था और ये मुझे टूटी हुई रिसीव पता नहीं टूटी हुई रिसीव हुई थी कि क्या, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं थी, मेरे हस्बैंड इसे रिसीव किए थे। मैं आई एक्साइटेड में तो शायद मैंने एक ही पेयर उठाया था उस ईयर रिंग का तो ये ठीक था तो मैंने रख दिया और आज आप लोगों के सामने निकाली तो जड़ टूटा हुआ। इसी चीज़ को कहता है अगर आपको किसी चीज़ की ज़्यादा चाहत हो ना तो वो आपको नहीं मिलती, वही चीज़ है। तो ये ब्यूटीफुल सा ईयर रिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, इसे देख के आपको लग रहा है कि आप राजस्थान में चले गए हो और इसके बीच में आप खड़े हो और घूमर कर रहे हो। और दूसरा पेयर ये है और साथ में इन्होंने ये चीज़ दिया है पहनने के बाद ये हैवी कुछ, क्योंकि ये जो ईयर रिंग है बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसको मतलब कि क्या कहेंगे हेल्प से आप मतलब कि पहन सकते हैं। यार कभी कभी ना भूल जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आपको क्या बोलना है, मेरे साथ भी वही होता है। तो ये चैन दिया हुआ ना तो इसका वेट आपको इससे कम हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट ज्वेलरी सेट की ओर आते हैं, वो पर्ल के साथ है तो ये भी अगेन चोकर है ये और ये अंडर 200 का है और मैं जो भी ज्वेलरी देख रही हूँ अंडर 500 की है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं 500 के ऊपर का कोई ज्वेलरी ऑर्डर कर लूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे होते हैं तो मैं थोड़े थोड़े ऑर्डर कर लेती हूँ और आप लोगों को वही चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो चीप और बेस्ट हो और जो आप लोग भी अफोर्ड कर सको क्योंकि सब आदमी सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं और ये तो 100-200 रुपये का भी जमा करके मंगा लेगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये टीसा पर्ल्स के साथ स्टोन वर्क वाली ये ईयर रिंग है और इसकी भी स्टोन निकली हुई है। उस समय मैंने ये देखा था तो मैंने कहा इतना छोटा चीज़ के लिए रिटर्न करना ज़रूरी नहीं है, स्टोन मेरे बॉक्स में है तो ऐसे मैंने सोचा था कि फेविक्विक से चिपका लूँ तो इसके ये इन्होंने प्यारे से ईयर रिंग दिए हैं। नेक्स्ट जो हम आएंगे वो भी एक स्वाइट ज्वेलरी है तो वो भी एक ईयर रिंग है, ये भी बहुत खूबसूरत है और मैं मंगा लेती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या मंगाया है। तो कुछ इस टाइप का ये इयर रिंग है तो ये वो इयर रिंग है और साइड से
और ये भी देखने में बहुत हैवी है लग रहे हैं लेकिन है नहीं। तो इसकी मैं सेकंड पेयर भी आप लोगों के साथ दिखा दूं जो कि मेरे साथ ही बुरा होता है। लगभग ईयर रिंग खरीदो ना तो ये चीज़ देखो, शायद दिख रही है कि नहीं पता नहीं, ये टेढ़ी है। अब बताओ उसको सीधा करने के चक्कर में टूट जाएगा और कितना लगता है यार, कितना मेहनत से मंगवाया है और फिर अब सामने से तो लिया नहीं है कि जाकर उसको मुँह पर मारो कि भैया टेढ़ा हो गया दो नया, ये ऑनलाइन का लफड़ा है। और ये रहा उसका दूसरा पेयर। सारे का मैं ट्रायल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। और नेक्स्ट है हमारा साइट चोकर सेट जो कि अगेन टूटा हुआ तो नहीं बोल सकते, इसका ये चीज निकल गया है, मुझे से निकल गया था कैसे, जैसे मैं ठीक कर लूंगी। और उसके साथ इन्होंने कुछ एक मिनट, इतना देरी से मेरा फोन कैप्चर को इस चीज करता है ना, ये बहुत ज्यादा ब्लर है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस टाइम। ये कुछ इस टाइप का है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नजदीक से आप लोग देखो कोई भी ऑनलाइन चीज, हम लोग जो है मतलब जो जैसा मैं फील करती हूँ, कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाने में ना मुझे लगता है कि कोई कितना जूम करके दिखा दे यार कि पता चले कि कैसा है, नहीं तो ऐसे मैं यूट्यूबर मतलब जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन वो लोग हैं ना कि एक साथ 6-7 वीडियो मतलब बनाती है, मतलब जो भी है मतलब जो भी प्रोडक्ट 6-7 बनाती है बहुत जल्दी जल्दी में दिखाती है, लगता है कि यार थोड़ा सा रुको थोड़ा सा अच्छा से बताओ, नहीं सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, कभी भी कोई चीज़ खराब नहीं उन लोग बताते हैं। ये रहा वो इयर रिंग, सभी के मैं ट्राई हॉल आठ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी या छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।